गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. ओके, वी आर डिस्कसिंग अबाउट पार्लियामेंट. हम लोग पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मैंने बताया था पार्लियामेंट मीन्स द प्रेसिडेंट द लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, द प्रेसिडेंट लोकसभा एंड राज्यसभा. ओके, हमने कल अपने चैप्टर में पार्लियामेंट को डिस्कस किया था. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का जो रोल है, पार्लियामेंट जो है हमने क्यों अडॉप्ट की, क्या हमारी लाइफ में रोल है और पार्लियामेंट को बनाने के पीछे एम क्या था इंडियन गवर्नमेंट का. ठीक है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, इसके पीछे उसका एम क्या था. ओके, व्हाट वाज द एम बिहाइंड टू क्रिएट टू अडॉप्ट द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट. सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट मीन्स क्या है कि इसके थ्रू डायरेक्ट पीपल जो है, ठीक है, पीपल जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं. ठीक है, मतलब कंट्री जो है, ठीक है, पार्लियामेंट के जो मेंबर है डायरेक्ट इलेक्टेड ऑफ द प्रेसिडेंट. मतलब एक डेमोक्रेसी जो है, उसका प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बेस्ट तरीके से अगर डिफाइन करना है, डेमोक्रेसी को बेस्ट फॉलो करना है, तो उसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ही हमें अडॉप्ट करना होगा. ओके, जैसे डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल, मतलब पीपल्स के थ्रू इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव जो रूल करे. और तो वो रूल कहाँ करे, कैसे करे, उनका फॉर्मेशन कैसा हो, ठीक है, तो वो सिस्टम, ये सिस्टम जो है रिप्रेजेंटेटिव, एक बेसिक प्रिंसिपल जो है डेमोक्रेसी को राइट प्रूव करने के लिए, सही तरह से फॉलो करने के लिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया. ठीक है, समझ में आया कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया. इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. ओके, इन इंडिया आफ्टर 1947 ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल हियर. ओके, रूल हियर, ऑल द रूल्स, रेगुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशंस, ओके, रन बाय देम, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ चल रहा था. जैसे जैसे हमने, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, पीपल्स की डिमांड्स पे हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड करी, अपनी गवर्नमेंट बनाने की बात करी, तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि हम गवर्नमेंट किस तरह की बनाई जाए, गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कौन होने चाहिए, कहाँ से आने चाहिए, उनका इलेक्शन किस बेस पे होना चाहिए. ठीक है, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया जिसमें ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट का जो मेन पार्ट उसमें आ जाता है. ठीक है, उसमें हमने प्रेसिडेंट को भी रखा, लोकसभा एक हाउस रखा, राज्यसभा एक हाउस रखा. तो लोकसभा के मेंबर जो है वो हमने डायरेक्ट, क्योंकि मेन पावर जो है, ठीक है, सबसे ज्यादा ऑल द पावर वेस्टेड इन कंट्रीज इज इन लोकसभा. एक कंट्री की सारी जो पावर है वो किस में वेस्टेड है, लोकसभा में है. ठीक है, तो और लोकसभा के जो मेंबर है वो कहाँ से आते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट होके आते हैं. कैसे आते हैं, अब ये कंफ्यूजन आपको रहता होगा कि मैम लोकसभा के जो मेंबर है किस तरह से हम डायरेक्ट चूज करते हैं. ठीक है, पूरे कंट्री को, ठीक है, ये सिस्टम आपको पार्लियामेंट्री के पार्ट्स जो हैं ये आपको बता दिए गए हैं, आपको पता होगा. ठीक है, पूरे कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. ठीक है, पूरा जो अपना कंट्री है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स चुनाव क्षेत्र, इलेक्शन एरिया. ओके, पूरे कंट्रीज को एक इलेक्शन एरिया में, कि एक पर्टिकुलर इलेक्शन एरिया जो है उस कंट्री का रहेगा. ठीक है, वो इलेक्शन एरिया से हर पार्टी से, अलग अलग पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, ठीक है,
द्रविड़ियन मतलब बहुत सारे ऐसे दल है, ठीक है, पार्टीज है, उन पार्टीज से रिलेटेड कैंडिडेट्स जो हैं वो कुछ कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको पार्टी से सीट्स मिलती हैं, कुछ कैंडिडेट विदाउट एनी पार्टी, बिना किसी पार्टी के इलेक्शन फाइट करते हैं, इलेक्शन फाइट करते हैं। फिर जो उस पर्टिकुलर, जैसे एक कंस्टिट्यूएंसी से, एक चुनाव क्षेत्र से, एक जो इलेक्शन एरिया है वहाँ से एक पर्सन को एमपी बनाना है। एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का जो मेंबर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी, ठीक है। तो एक पर्सन एक कंस्टिट्यूएंसी से एमपी जाएगा, हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो स्टेट है वहाँ उसकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एमपीज डिसाइड किया गया है कि किस स्टेट से कितने एमपीज पार्लियामेंट के लिए सेलेक्ट होने हैं, ठीक है। जैसे राजस्थान से कितनी सीट्स हैं पार्लियामेंट में, 25। एंड ये जो कैलकुलेशन है वो कैसे होती है, वो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है। फिर हर कंस्टिट्यूएंसी से क्या है, एक पर्सन एमपी के लिए आ जाएगा। तो हमारे जो लोकसभा में है टोटल 543 मेंबर्स, सॉरी 545 मेंबर्स, 545 मेंबर्स टोटल मेंबर इन लोकसभा, ठीक है। 543 डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, और 2 जो पर्सन है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, ठीक है। ये जो मेंबर है मतलब पूरे कंट्री को, इसका मतलब 543 कंस्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया, ठीक है। वहाँ इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो मेजोरिटी से विनर होगा, जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे, वो जो है लोकसभा का मेंबर बनेगा, पार्लियामेंट का मेंबर बनेगा, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। अब उस सिस्टम को, ठीक है, उसका वर्क क्या है, ठीक है, पार्लियामेंट हमने क्यों अडॉप्ट की, ताकि पूरी कंट्रीज के पीपल का पार्टिसिपेशन हो जाए, ठीक है, सबको इक्वल वोट देने का, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करने का राइट मिले, कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट में सबका पार्टिसिपेशन हो, गवर्नमेंट बनाने में सबका पार्टिसिपेशन हो, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को रखा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, जो 2 हाउसेस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा के जो मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं पीपल्स के थ्रू, और ईच कॉर्नर, फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कोने से, ठीक है, नीचे चाहे किसी भी विलेज, सबको एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंडर डिसाइड किया गया है। वहाँ हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्शन होता है, और हम डायरेक्ट जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव उसे चूज करके पार्लियामेंट के लिए भेजते हैं। ये पीपल जो है, पूरी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो उनके हाथ में रहती है, ठीक है। ऑल द पावर, ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर इज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। जितने भी डिसीजन से मेकिंग है, लॉज से मेकिंग वर्क है, ठीक है, अमेंडमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है वो किसके हाथ में होता है, पार्लियामेंट के हाथ में। जो भी लॉज बनाए जाते हैं, जो भी डिसीजंस कंट्री के फेवर में लिए जाते हैं, जो भी नेशनल पॉलिसीज तैयार की जाती है, वो पार्लियामेंट के सब मेंबर का पार्टिसिपेशन होता है उसमें, लोकसभा का। फिर राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक हमारे पास कई बार आप सुनते होंगे एमएलएस, एमएलएस क्या होता है, सेम जैसी प्रोसेस स्टेट में होती है, सेम वैसे के वैसे स्टेट में होता है लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। काउंसिल सिर्फ 7 स्टेट में ही है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली इज द पॉपुलर हाउस इन स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ग्रुप जो है, पूरा का पूरा इंडिया जो कंट्री जो है वो कवर हो गया। कैसे, प्रेसिडेंट भी आ गए, लोकसभा के मेंबर आ गया, तो प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर लोकसभा का ही लीडर होता है, मेजोरिटी पार्टी से ही प्राइम मिनिस्टर बनता है। फिर राज्यसभा के मेंबर, इसका मतलब पूरी कंट्री को गवर्नमेंट बनाने में इंक्लूड किया गया है, सबका पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट को बनाने में किया गया है, ठीक है, इसलिए हमने पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, ठीक है, व्हाई वी अडॉप्ट पार्लियामेंट नीड्स टू परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस, ओके।
नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, हमने क्या अथॉरिटी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट तो किया है, लेकिन पार्लियामेंट को फिर अथॉरिटी क्या दी है, फंक्शंस क्या दिए, पावर क्या दी है, ठीक है। सो फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ ए पार्लियामेंट, पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के फंक्शंस क्या है, किस तरह से वो वर्क स्टार्ट करेगी। सबसे पहले पार्लियामेंट का क्या पर्सन है कि जो भी पर्सन्स इलेक्ट होके आएंगे, ठीक है, टोटल मेंबर इन लोकसभा, हम सिर्फ एक बार लोकसभा की बात करते हैं, तो लोकसभा में जो मेंबर होते हैं टोटल मेंबर 545, ओके, उसमें से 543 मेंबर्स प्लस 2 का रेशियो रहता है, 543 डायरेक्ट इलेक्टेड एंड 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इनको एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, ठीक है, उनसे नॉमिनेट करता है, और 543 मेंबर जो हैं वो ऑल ओवर इंडिया से सेलेक्ट होके आते हैं। सेलेक्ट होने के बाद, ठीक है, वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, कई तरह के पॉलिटिकल पार्टी, जैसे आपके ये जो है पेज नंबर 36, यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज दी हुई है, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, ओके, एंड बहुत सारे पार्टीज यहाँ पे डिस्कस की गई है, और इस पेज में कुछ 35 का जो पेज है वहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, द्रविड़ियन मुनेत्रा कांजिंगम, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ओके, बहुजन समाज, रेदु कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, जनता दल, बिजू जनता दल, ओके, ये सारी क्या है, हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टीज, ये पार्टीज है, ठीक है। और इसमें देखो कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी यहाँ दिए गए, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करती हूँ, पहले हमने ये स्टार्ट कर लिया कि फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट क्या वर्क कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मेंबर कितने आए लोकसभा में, ठीक है, प्रेसिडेंट तो एक है, ठीक है, वो थोड़ा अलग मैटर है, ठीक है। तो फिर राज्यसभा, राज्यसभा के जो मेंबर है दे आर लेस पावरफुल देन लोकसभा, उनके पास लोकसभा के मेंबर से पावर कम होती है, ठीक है, तो उनका भी हम बात में करते हैं। पहले लोकसभा की बात करें तो 543 इसका फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें हम फंक्शन के साथ साथ इसका फॉर्मेशन भी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि 543 प्लस 2 मेंबर, 543 मेंबर जो है डायरेक्ट पीपल से इलेक्ट होके आएंगे, और 2 जो पर्सन है इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा। ये जो पर्सन है ये इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, ठीक है, इनका कोई इलेक्शन नहीं होता, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी होती है, जो पर्सन्स फॉरेनर पर्सन्स जो हैं वो हमारे यहाँ सेटल हो चुके हैं और उन्होंने हमारे जो इंडिया की ही सिटीजनशिप को अडॉप्ट कर लिया, अब वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं, उनसे 2 पर्सन सेलेक्ट होके आएंगे। इसके बाद क्या होगा, गवर्नमेंट बनी हुई, इसमें जो मेजोरिटी पार्टी से, ठीक है, डिफरेंट पार्टी से पर्सन आए हैं, बीजेपी से भी आए हैं, कांग्रेस से भी आए हैं, आम आदमी पार्टी से भी आए हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ की, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस है, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी से पीपल्स आते हैं। तो जिस पार्टी को, ठीक है, जिस पार्टी से सबसे ज्यादा एमपी इलेक्ट होके आते हैं उस पार्टी का जो लीडर है बिकम द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, जैसे बीजेपी है, एट हम 2019 का जो इलेक्शन हुआ है उसकी बात करें तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, ठीक है, बीजेपी की जो सीट्स थी वो सबसे ज्यादा थी, ठीक है, उसमें क्या है, तो बीजेपी का जो लीडर था नरेंद्र मोदी उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है, मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने। क्यों बने, क्योंकि जो इलेक्शन हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपीज आए वो एमपी में सबसे ज्यादा बिलोंग करने वाले उस पार्टी से थे। अगर किसी इलेक्शन में, जैसे 2009 में इलेक्शन हुआ था, उसमें क्या था, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस को 206 सीट्स मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 116, तो सबसे ज्यादा सीट्स किसको मिली थी, नेशनल कांग्रेस को। तो कांग्रेस से जो लीडर था, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह 2009 में कांग्रेस से लीडर थे और मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। उसके बाद जो इलेक्शन हुए उसमें नरेंद्र मोदी जी 2014 एंड 19 में
उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, ठीक है। तो जिस पार्टी से सबसे ज्यादा सीट्स आती है, सबसे ज्यादा एमपीज आते हैं, उस पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेक्स्ट वर्क क्या होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बन गई किसी एक पार्टी की। अच्छा, कई बार एक चीज और होती है, गवर्नमेंट किसी भी पार्टी को मेजोरिटी की सीट्स नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे अभी जो इलेक्शंस हुए हैं उनमें तो मेजोरिटी की सीट मिल रही है, ठीक है, कभी बीजेपी को मिल रही है, कभी कांग्रेस को मिल रही है, लेकिन कई बार क्या होता है मेजोरिटी की सीट नहीं भी मिलती है, तब कॉलिएशन गवर्नमेंट बनती है, ठीक है, क्योंकि पार्टीज बहुत सारी होती है। आप अपनी बुक में देखिए, पेज नंबर 36 में भी आपको बहुत सारी पार्टीज दिए और 35 में भी बहुत सारी पार्टीज के नेम दिए हुए, एटलीस्ट मोर देन 20 पार्टीज हियर, ओके, 20 पार्टी से भी ज्यादा है। तो किसी ने किसी पार्टी से 5 मेंबर्स, किसी से 10 मेंबर, किसी से 50 मेंबर, इस तरह से 50 मेंबर। तो जो बड़ी पार्टियां सिर्फ दो है, ठीक है, बीजेपी और कांग्रेस, ठीक है, दोनों को ही मेजोरिटी नहीं मिली, ठीक है, तो गवर्नमेंट कौन बनाएगा, ठीक है, मेजोरिटी नहीं बनी तो क्या फिर से इलेक्शन होंगे? फिर से इलेक्शन करवाना भी पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस जो होती है वो बहुत लंबा चौड़ा वर्क होता है, तो री इलेक्शन इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, री इलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट कॉलिएशन गवर्नमेंट बनेगी। कॉलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है, एक पार्टी जैसे बीजेपी है, बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जो अदर स्मॉल पार्टी है वो उसको ज्वाइन करे, उन वो अपने वोट्स, ठीक है, जैसे बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है, दोनों को ही जो है मेजोरिटी की सीट नहीं मिली है। थर्ड पार्टी मनी आम आदमी पार्टी है, ठीक है, डीएमके है, ठीक है। अब डीएमके के पास मान लो इसको 10 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, मेजोरिटी बनाने के लिए बीजेपी को 10 सीट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? अगर मान लो आम आदमी पार्टी या डीएमके पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी या कोई भी पार्टी के पास 10 सीट्स हैं, या इनके पास 10 सीट्स हैं, 9-11 सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं, वो अपनी पार्टी को इसमें मिक्स कर ले, या दो तीन पार्टियां एक साथ ज्वाइन होके, ठीक है, मेजोरिटी बनाए, तो ऐसे में कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, ठीक है। जब एक पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स नहीं होती तो या तो उसको सपोर्ट करे अदर पार्टी, अदर पार्टी के पास किसी भी दूसरी पार्टी के पास सीट्स है, जितनी सीट्स की मेजोरिटी के लिए जितनी सीट्स की रिक्वायरमेंट है वो सीट्स उसको अदर पार्टी से अगर मिल जाती है तो वो गवर्नमेंट अपनी बनाएगी, या फिर 2-3-4 जो पार्टी है आपस में कॉलिएशन बना के, आपस में ग्रुप बना के भी गवर्नमेंट बना सकती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बन गई, या तो मेजोरिटी पार्टी से बन जाती है या कॉलिएशन गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद उनका वर्क क्या होता है, एग्जीक्यूटिव चूज करना, ओके, सेलेक्ट द मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर तो क्या हो गया, मेजोरिटी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन गया। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उनको एक एग्जीक्यूटिव डिसाइड करना है, ठीक है, मिनिस्टर्स डिसाइड करने हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट की एडवाइस से, हालांकि मेन जो रोल होता है, जो डिसीजन की पावर होती है वो प्राइम मिनिस्टर में ही होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट की एडवाइस से प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर सेलेक्ट करेगा, ठीक है। जो उसका ग्रुप है, जो एमपीज चूज होके आए हैं, और मोस्टली अपनी ही पार्टी से, अपनी पार्टी के जो एमपीज हैं उनको वो क्या करेगा, पहले तो मिनिस्टर्स की लिस्ट बनाएगा कि मुझे इस इतने लोगों मिनिस्टर्स की जरूरत है, तो उतने लोगों उन मिनिस्टर को सेलेक्ट करेगा। मिनिस्टर सेलेक्ट करने के बाद उनको पोर्टफोलियो फील्ड अलॉट किए जाएंगे, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट बन गई, प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट बन गई। गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है, मिनिस्टर, ओके, एग्जीक्यूटिव, ओके, पर्सन हु वर्क टुगेदर इंप्लीमेंट लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। और वो मिनिस्टर्स कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव मीन्स होते हैं ऐसे पर्सन जो पार्लियामेंट के रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉज बनाता है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है, ठीक है। लॉज कैसे बनते हैं, पार्लियामेंट की मेजोरिटी से। कोई भी लॉज जब बनाना होता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की मेजोरिटी से, परमिशन से, यस से, अप्रूवल से लॉज
बनते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के साइन होते हैं। अब उन लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है, पार्लियामेंट के जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव वो जो कैबिनेट, जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट तैयार करेगा, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएगा, ठीक है। काउंसिल तो वो क्या करेगा कि जो एमपी सेलेक्ट होके आए हैं उन एमपी से मिनिस्टर्स, उनमें से ही जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है या पहले ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क कर चुके हैं, या किसी मान लो कोई एमपी जो है स्पोर्ट्स फील्ड से बिलोंग करता है, उसको उस फील्ड का नॉलेज है, तो उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जा सकता है, ठीक है। उस फील्ड का नॉलेज रखने के वाले के साथ, एक्सपीरियंस वाले के साथ, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन को एक पर्टिकुलर फील्ड मिनिस्टर बनाने के बाद पोर्टफोलियोज अलॉट होता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फील्ड उसको अलॉट किया जाता है कि वो जैसे एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, हेल्थ मिनिस्टर्स बनाया, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर्स बनाया, डिफेंस मिनिस्टर्स बनाया, ठीक है, अदर जो भी मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, ऐसे ये फिनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की कैटेगरीज, रेलवे मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, ठीक है, इस तरह से मिनिस्टर को कैटेगराइज्ड कर दिया गया, ठीक है। मिनिस्टर को पोर्टफोलियोस अलॉट कर दिए गए, एक पर्टिकुलर फील्ड उनको दे दिया गया कि आप इस फील्ड में आपको वर्क करना है, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। कि क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट के, कि पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो क्या करेंगे, सबसे पहले गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है, मेजोरिटी से, जिस पार्टी की मेजोरिटी है उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी, उस पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर होगा। प्राइम मिनिस्टर होने के बाद कई बार क्या होता है, कॉलिएशन गवर्नमेंट बनती है। कॉलिएशन गवर्नमेंट क्या होती है कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, ठीक है, ना बीजेपी के पास मेजोरिटी है, ना कांग्रेस के पास मेजोरिटी है। मेजोरिटी नहीं मिलने की कंडीशन में क्या होती है, कुछ पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती है, या कोई स्मॉल जो पार्टी है अपनी जो सीट्स हैं वो मेजर पार्टी को अलॉट कर देती है, उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे में गवर्नमेंट बन जाती है, ठीक है। गवर्नमेंट बनने के बाद क्या होता है, एक मिनिस्टर्स की सेलेक्ट किया जाता है, मिनिस्ट्री बनाई जाती है। मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करने के बाद उनको पर्टिकुलर फील्ड अलॉट किया जाता है, जिसको पोर्टफोलियोज कहते हैं, पर्टिकुलर फील्ड, कि किसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, किसी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया, ठीक है, किसी को चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया, किसी को हेल्थ मिनिस्टर बनाया, तो डिफरेंट जो फील्ड है, बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, वो फील्ड्स जो हैं मिनिस्टर्स को अलॉट कर दिए जाते हैं, ठीक है। कॉलिशन गवर्नमेंट हो गई, अब उनका, अब हमने अब तक क्या बात करी, लोकसभा की, ठीक है, ये तो फंक्शंस हो गए किसके, लोकसभा के। अब एक बार राज्यसभा का भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि राज्यसभा क्या है, ठीक है। राज्यसभा में टोटल नंबर ऑफ पर्संस जो हैं, ठीक है, अभी तक हमने लोकसभा की फॉर्मेशन, मतलब शॉर्ट में इसकी फॉर्मेशन कितनी है, ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, किस तरह से वो कंस्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होके आते हैं, और फिर उनका फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शंस उनके जो पार्लियामेंट के मेन फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हमने फॉर्मेशन को ही डिस्कस किया है। अब फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा की फॉर्मेशन देखिए, राज्यसभा में जो है, राज्यसभा इज द अपर हाउस, राज्यसभा जो है पार्लियामेंट का अपर हाउस है, बट इट इज इट हैज लेस पावरफुल देन लोकसभा, लोकसभा से कम पावरफुल होता है राज्यसभा। क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि राज्यसभा के जो मेंबर है नॉट डायरेक्ट इलेक्टेड बाय पीपल, ये आप ध्यान में रखना, राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो डायरेक्ट इलेक्टेड पीपल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड पीपल। राज्यसभा तो पीपल ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय, ये कौन नॉमिनेट करता है, लोकसभा के मेंबर का तो इलेक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी को हमने इलेक्ट करके लोकसभा का मेंबर बना दिया, लेकिन राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट कैसे किया जाएगा, उसका भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। उसमें मेंबर ऑफ इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली, असेंबलीज के जो मेंबर है वो राज्यसभा के, अब जितने भी हमारे स्टेट है
okay? At present we have 28 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन अब तक जो हमारी राज्यसभा बनी हुई है वो 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज से बनी हुई है, ठीक है। अब ये चेंजेस हो गए, अब इसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो यहां से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है, यूनियन टेरिटरीज ऑल्सो हैव देयर लेजिस्लेटिव असेंबली, तो यहाँ के जो मेंबर है, ठीक है, स्टेट की लेजिस्लेटिव के असेंबली के मेंबर जो है वो 245 मेंबर को नॉमिनेट करेंगे। क्या 245 को, इसका जो रेशियो होता है वो 233 प्लस 12 होता है, ठीक है। 233 प्लस 12 का मीन्स क्या हुआ, 233 मेंबर जो है वो होते हैं नॉमिनेट, 233 मेंबर नॉमिनेटेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली के पीपल जो है सिर्फ 233 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं, 12 मेंबर का राइट किसके पास होता है, प्रेसिडेंट, 12 मेंबर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। राज्यसभा में टोटल मेंबर आज के टाइम में, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ने 250 मेंबर डिसाइड किए थे, बट एट प्रेजेंट वी हैव ओनली 245 मेंबर, ओके, 233 मेंबर नॉमिनेटेड बाय मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर है वो 233 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, एंड द नॉमिनेशन ऑफ 12 मेंबर डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 मेंबर्स को, ठीक है। तो ये होगी राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा का थोड़ा डिफरेंस हम लोग डिस्कस करते हैं। राज्यसभा क्या है, अपर हाउस, अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है, ठीक है। लोकसभा लोअर हाउस है बिकॉज, अब देखिए, ऑल द पावर ऑफ लॉज मेकिंग, ओके, ऑल द पावर ऑफ लॉज मेकिंग वेस्टेड इन राज्यसभा, ओके, लोकसभा, लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास तो सिर्फ लेस पावरफुल देन लोकसभा, राज्यसभा तो लोकसभा से कम पावरफुल होती है, उसके बावजूद भी उसको हम अपर हाउस कहते हैं और उसको लोअर हाउस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि राज्यसभा का जो टेन्यूर है इट इज 6 ईयर, ओके, टेन्यूर ऑफ राज्यसभा इज 6 ईयर, इट कैनॉट बी डिजोल्व आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर के बाद ये बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। 1/3 मेंबर जो हैं वो रिटायर्ड होते हैं और 1/3 मेंबर जो हैं न्यू सेलेक्ट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ मेंबर जो है वो इक्वल रिमेन सेम, लगभग वापस सेम हो जाते हैं। लेकिन लोकसभा की प्रोसेस क्या है, उसका 5 ईयर का टेन्यूर है, ठीक है। 5 ईयर्स एक साथ MPs जो है का इलेक्शन होता है, एक साथ वो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं, और 5 साल बाद लोकसभा जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, 5 साल के बाद अगेन इलेक्शंस आर हेल्ड, अगेन इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड फॉर लोकसभा, एंड न्यू MPs सेलेक्टेड इलेक्टेड फॉर लोकसभा, नए MP, उनमें से कुछ MPs ऐसे भी होंगे जो फिर से इलेक्शन फाइट करके विनर होके आए हैं। एक बार MP बनने के बाद दोबारा भी बन सकता है, लेकिन सेम पर्सन सेम प्रोसेस से नहीं, प्रोसेस सेम रहेगी लेकिन एक इलेक्शन से नहीं, उसको फिर से इलेक्शन फाइट करना पड़ेगा। अगर फिर से इलेक्शन में वो विनर हो गया तो लोकसभा में 2 बार भी मेंबर बन सकता है, 10 बार भी मेंबर बन सकता है, अगर उसको उसकी पार्टी से टिकट्स मिलती रही तो वो अपनी पार्टी से कितनी भी बार लोकसभा का मेंबर बन सकता है, ठीक है। ये डिफरेंस है, और इसलिए इसको लोअर हाउस कहते हैं। बाकी पावर जो है वो लोकसभा के पास ज़्यादा है, राज्यसभा के पास कम होती है। मेंबर ऑफ लोकसभा इज मोर देन राज्यसभा, यहाँ 545 मेंबर है, उसके पास 245 मेंबर है, तो मेंबर भी ज़्यादा है, ठीक है, पावर भी ज़्यादा है। पूरा जो लॉज मेकिंग का, इवन मनी बिल जो होते हैं, मनी बिल ओनली डिस्कस्ड इन लोकसभा, मनी बिल का जो राइट होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास होता है, राज्यसभा के पास नहीं होता है। राज्यसभा के पास मनी बिल जो है वो 14 डेज के लिए जाता है, एंड विद इन 14 डेज दे रिटर्न दिस बिल, 14 डेज के अंदर अंदर उनको बिल को स्टडी करके वापस भी सेंड करना होता है लोकसभा को, ठीक है। अदर जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो लोकसभा के पास भी
उनकी स्टडी की जाती है, उनको देखा जाता है, पास किया जाता है और राज्यसभा के पास भी उनको पास किया जाता है। पर जनरली क्या होता है, अगर लोकसभा में पास हो जाता है वो बिल राज्यसभा में भी पास हो जाता है। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो प्रेसिडेंट जो है वो उसको साइन करता है। प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद बिल पास होता है, लेकिन प्रेसिडेंट उस बिल पे सिग्नेचर करने के लिए क्या होता है, बाउंड होता है। कैसे होता है, प्रेसिडेंट एक बार तो रिटर्न कर सकता है, प्रेसिडेंट के पास ये विटो पावर है कि प्रेसिडेंट के पास बिल आ गया, ठीक है, राज्यसभा ने भी बिल को पास कर दिया, लोकसभा ने भी बिल को पास कर दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास आया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को अगर वापस भेज दिया, ठीक है, प्रेसिडेंट ने बिल को रिटर्न कर दिया, फिर से वो लोकसभा में जाएगा और लोकसभा के मेंबर फिर उसको स्टडी करेंगे, फिर उसमें हो सकता है अमेंडमेंट कर दे, लेकिन अमेंडमेंट ना भी करे अगर, और फिर अगर सेकंड टाइम अगर प्रेसिडेंट के पास वो बिल आ गया तो प्रेसिडेंट बिल्कुल उसको सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करने के लिए बिल क्या होता है, मतलब प्रेसिडेंट को कंपल्सरी है, उसको एक बार ही वो रिटर्न कर सकता है, उसके बाद तो वो बाउंड ही है, ठीक है, उसको बाउंडेशन ही है कि उसको सिग्नेचर करना ही होगा, ठीक है। ये जो प्रोसेस होती है लोकसभा और राज्यसभा की, मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा में डिफरेंस भी बता दी है, फॉर्मेशन भी उसकी बता दी, ठीक है, कि किस तरह से लोकसभा फॉर्मेट होती है और राज्यसभा के जो मेंबर है वो नॉमिनेट होते हैं, उनको नॉमिनेट कौन करता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, स्टेट में लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उनके मेंबर जो है वो राज्यसभा के मेंबर को नॉमिनेट करते हैं। 12 मेंबर राज्यसभा प्रेसिडेंट के थ्रू नॉमिनेट होते हैं और लोकसभा में 2 मेंबर प्रेसिडेंट के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, फंक्शन, पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब इस लोकसभा और राज्यसभा की पावर क्या है और उनके फंक्शन क्या है। हमने तो सिर्फ फॉर्मेशन को ही डिस्कस किया है, नाउ पावर एंड फंक्शन। उससे पहले मैं आपको ये आपका जो पेज नंबर 35 है उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं, आप खुद देख आप देखना और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करती हूँ कि किस पार्टी का रूल है कहाँ। आप फर्स्ट जो क्वेश्चंस हैं नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, सेकंड ये नीचे वाले क्वेश्चंस देखिए, द टोपोग्राफ ऑफ पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 पे एक टोपोग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आपको ये बताना है कि थर्ड लोकसभा इलेक्शन उस 28 मतलब 1962 में थर्ड लोकसभा इलेक्शन हुआ था, तो इस पेज को देख के इनको आंसर्स करना है। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ एमपीज इन लोकसभा, कि लोकसभा में सबसे ज्यादा एमपीज जो है किस स्टेट से जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ 86 एमपीज हैं फ्रॉम उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से 86 MPs लोकसभा के लिए जाते हैं। आज भी सबसे ज्यादा सीट्स जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पास ही है। सेकंड, विच स्टेट हैज लिस्ट नंबर ऑफ MP, कौन सा स्टेट है जहाँ पे लिस्ट नंबर ऑफ MP सबसे कम MP जो है वो लोकसभा के लिए जाते हैं। हियर मणिपुर एंड त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए देखिए आप एक बहुत कम सीट्स हैं, 2 and 2 ओनली, ओके, 2-2 सीट्स मणिपुर और त्रिपुरा को अलॉट की गई है। विच पॉलिटिकल पार्टी हैज वोन द मोस्ट सीट्स, किस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज्यादा सीट वोन किए, तो यहाँ 338 सीट्स वोन बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसने 338, कांग्रेस जो पार्टी है उसकी सीट सबसे ज्यादा है। विच पार्टी डू यू थिंक विल फॉर्म द गवर्नमेंट, कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी, ओके, एंड गिव रीजन वाई, क्यों बनाएगी, कांग्रेस पार्टी ही गवर्नमेंट बनाएगी और क्यों बनाएगी, ही रीजन, इसी क्वेश्चन को देखने के लिए हमने इसको क्यों बनेगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी गॉट द मेजोरिटी सीट्स, ओके, जो इलेक्शन हुआ है 1962 में इसमें 338 बहुत ज्यादा मेजोरिटी से भी जो चाहिए उससे भी ज्यादा 338 जो सीट्स हैं वो कांग्रेस को मिली है, तो कांग्रेस ही गवर्नमेंट बनाएगी। गवर्नमेंट जो है वही पार्टी बना सकती है जिसके पास मेजोरिटी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट कौन बनाता है, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। तो यहाँ 1962 का इलेक्शन जो है वो दिया हुआ है कि 1962 में कौन सी पार्टी जो है वो गवर्नमेंट फॉर्मेट करेगी, ओके,
Now, our next topic, function. Okay, तो सबसे पहले तो एक formation में या function में first point हो गया अपना select the national government. National government को select करना. Second अपना point हुआ to control, guide and inform the government. Okay. किस तरह से जो कंट्रोल है उसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का कंट्रोल जो है वो इस पे है पूरी पार्लियामेंट पे है ठीक है उसमें हम कह देंगे पार्लियामेंट वायलेंस सेशन पार्लियामेंट में क्या होता है एक रूलिंग पार्टी होती है एक क्या होती है अपोजिशन पार्टी होती है तो इसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स के पास पावर होती है कि वो बिल पास करवाते हैं ठीक है डिपार्टमेंट अलॉट किए थे मैंने पहले बताया था कि मिनिस्टर के पास डिपार्टमेंट होते हैं तो अपोजिशन जो पार्टी है उसके पास एक राइट एक होता है क्वेश्चन आर कि वो अपनी जो टीम है लोकसभा के मेंबर है उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको अगर हेल्थ मिनिस्टर बनाया है या विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया या एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया तो आपने अपने फील्ड में क्या डेवलपमेंट किया है ठीक है और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया किया है तो क्यों किया है ठीक है इस तरह के क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन आर्स जो चलता है उसमें और अगर किसी भी एमपीज ने कोई लॉ पास करवाया कोई बजट पास करवाया डेवलपमेंट के लिए तो उस बजट पे भी पूरा का पूरा क्वेश्चन आर चलता है डिस्कशन चलता है एमपीज के बीच में एमपीज जो है मान लो किसी विजय इसने जो रेलवे मिनिस्टर है उसने रेलवे के डेवलपमेंट के लिए बजट पास करवाया ठीक है तो उसको उस वो आंसरेबल होगा अपने लोकसभा में ठीक है उसको आंसर देना होगा जो भी एमपी उसको क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको इतने बजट की क्यों जरूरत पड़ी कहाँ डेवलप करवाना है कैसे करवाना है किसी भी तरह के क्वेश्चंस अगर उनकी अपोजिशन पार्टी या फेवर की जो पार्टी है उनकी खुद की जो पार्टी से एमपी क्वेश्चंस करें तो द पर्सन इज आंसरेबल द मिनिस्टर इज आंसरेबल फॉर ऑल द क्वेश्चन वो मिनिस्टर जो है वो सारे क्वेश्चंस के लिए आंसरेबल होगा उसको वो आंसर्स जो है वो देने ही होंगे समझ में आया कि एमपीज जो है अगर लॉज भी पास होता है ठीक है किसे कोई भी पार्लियामेंट में लॉ पास होता है तो उसके लिए भी पूरी डिस्कशन होती है क्वेश्चन आर होता है एमपीज जो है क्वेश्चंस के लिए आंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं पूरी इंफॉर्मेशन जो है अपनी वर्किंग की उनको अदर एमपीज को देनी पड़ती है ऐसे नहीं किसी भी एमपीज ने बजट पास करवा लिया चुपचाप उसका बजट पास हो गया और उसने काम करवा लिया ऐसे में तो बहुत सारा फ्रॉड हो सकता है अनफेयर मीन्स यूज किए जा सकते हैं ऐसे में तो वो बजट तो पास करवा लेगा लेकिन डेवलपमेंट करेगा ही नहीं तो उसको लिए वो पूरा आंसरेबल उसको पूरा और जो इन्वेस्टमेंट उसने किया है इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा डिटेल जो है वो उसको पार्लियामेंट को बताना पड़ेगा उसने जो भी एक्सपेंडिचर किया है जो भी खर्च किया है वो सारा भी उसको पार्लियामेंट के सामने पेश करना पड़ेगा अदर जो मिनिस्टर्स हैं उसके लिए उसको आंसरेबल होना जरूरी होगा अपोजिशन पार्टी प्ले क्रिटिकल एंड हेल्दी रोल अपोजिशन पार्टी हमेशा एक हेल्दी रोल प्ले करती है अपोजिशन है क्रिटिसाइज करने के लिए है तो हमें एक डर रहता है अपोजिशन पार्टी है तो बंदे को डर रहेगा कि अगर मैंने अपने फील्ड का वर्क नहीं किया ठीक है हेल्थ मिनिस्टर ने अगर हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज है उनमें डेवलपमेंट नहीं किया तो उसको एक फियर रहेगा कि अपोजिशन मेरी टांग खिंचाई कर देगी पार्लियामेंट में ठीक है तो अपोजिशन पार्टी प्ले हेल्दी फंक्शनिंग इन ए डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी में अपोजिशन का होना बहुत जरूरी है अपोजिशन पार्टी प्ले हेल्दी रोल इन डेमोक्रेसी क्योंकि क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा राइज होते हैं वो अपोजिशन पार्टी से ही होते हैं अपोजिशन का रोल जो होता है वो सबसे अच्छा रोल होता है ठीक है And the highlights drawback in the various policies, program of the government, mobilize popular support for the own policies, ठीक है अपनी policies को highlight करना ठीक है And drawback of the various policies, कई जो policies हैं उनकी drawbacks भी होती हैं कमियाँ भी होती हैं वो भी highlights हो जाती हैं ठीक है सारी चीज डिस्कस करके पार्लियामेंट के जो डिसीजंस हैं वो सबके साथ लिए जाते हैं अगर एक मिनिस्टर ने किसी भी लॉज को बनाया कुछ भी पॉलिसी स्टार्ट की तो उस पॉलिसी से रिलेटेड वो एडवाइस जो है वो अदर मिनिस्टर से भी ले सकता है ठीक है क्योंकि एक ग्रुप है क्योंकि पूरी किसी की भी मोनोपोली जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा का ठीक है कि हेल्थ और विमेन मिनिस्टर से किया गया था कि वेदर द गवर्नमेंट
purpose the convince various scheme and policies for the children. क्या जो women और जो women and child development officer है तो क्या वो development के लिए वर्क कर रहा है, क्या उसने चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए विमेंस डेवलपमेंट के लिए वर्क किया है, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और किया तो उसने क्या वर्क डेवलपमेंट के लिए किया है, और चाइल्ड और हेल्थ मिनिस्टर उसके लिए आंसरेबल होगा, उसको आंसर देना होगा कि उसने ये डेवलपमेंट का वर्क किया है. ठीक है, सो नेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास. और उसको क्या है, फीडबैक भी मिलता है. द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक एंड केप्ट ऑन इट्स टॉयस टू द क्वेश्चंस आंसर. क्वेश्चंस पूछने से एक अच्छा फीडबैक भी मिलता है, एक लगता है कि गवर्नमेंट जो है एक्टिव, गवर्नमेंट एक्टिवली वर्क कर रही है. ठीक है, क्वेश्चन आर जब चलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चुपचाप गवर्नमेंट का वर्क चल रहा है. ठीक है, इसका मतलब गवर्नमेंट जो है एक्टिवली अपना वर्क रोल कर रही है. ओके, इन आवर नेक्स्ट चैप्टर क्लास वी डिस्कस्ड हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में कौन पीपल्स इंक्लूड होते हैं. ठीक है, हालांकि मैं आपको बहुत सारा डिस्कस कर चुकी हूँ पार्लियामेंट का, फिर भी अकॉर्डिंग टू योर बुक हमें एक एक टॉपिक को देखना भी पड़ेगा. ठीक है, सो आपको जितना अभी करवाया है फंक्शन इन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इनको आप स्टडी कीजिए. ओके, एक बार रीडिंग करेंगे तभी आपको समझ में आएगा. रीडिंग कीजिए, फिर लेक्चर को सुनिए, क्लास को सुनिए, फिर एक बार रीडिंग कीजिए. ठीक है, तब आपको ये समझ में आएगा. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन डाउट क्लास. ओके, वी विल मीट अगेन इन अवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.